हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। लेकर के आ चुका हूँ फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ इस टाइप का एडिटिंग करने वाले हैं जो कि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो एडिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन में चलेंगे एंड वहाँ से आप लोग को बताएंगे एडिटिंग कैसे करना है। यहाँ पे देख सकते हो हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे इस बंदे का यहाँ पे देख सकते हो पेज आप लोग एंड यहाँ पे फॉलोअर्स देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे फॉलोअर्स है इस बंदे का एंड यहाँ पे आप रील में व्यूज़ का बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है। आज हम लोग कुछ इसी टाइप का एडिटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को शहरी सबसे पहले कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इस बंदे के पेज पर आ जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो एक आप लोग का स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेना है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड अब हम लोग शहरी को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का टेक्स्ट कॉपी करने के लिए यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देगा गूगल ट्रांसलेशन ऐप। तो इसको आप लोग को सिंपली सा ओपन कर लेना है एंड आप लोग जैसा ही कर लेते हो तो कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देता है। तो नीचे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है एंड आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट वाला फोटो यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड आप लोगों को कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे स्कैन कर लेना है एंड स्कैन करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना है ऊपर में इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए एंड अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ ही स्टाइल्स पे आप लोग को टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है नीचे में आप लोग क्लिक करके। तो अब आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोग को इलाइट मोशन एंड टेलीग्राम का जरूरत पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना आप लोग एंड यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन कर लेते हो तो कुछ ही स्टेप से आप लोगों को दिखाई देता है एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सारा लिंक वगैरह यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ एंड यहाँ पे आप लोग को XML भी मिल जाएगा एंड इन फ्यूचर में अगर ये पोस्ट अगर आप लोग को नहीं मिलता तो यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो का टाइटल है, आप लोग को इस वीडियो का टाइटल सर्च करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही स्टेप से एंड ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे 3 डॉट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों को सिंपली सा क्लिक करना है एंड सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड इस वीडियो का टाइटल यहाँ पे सर्च करना है एंड यहाँ पे आप लोग जैसे ही सैड शायरी आप लोग यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो XML बैकग्राउंड यहाँ पे एंड PNG भी आप लोग को सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लेना एंड आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो एंड हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग को बैक आ जाना है एंड अब हम लोग एडिटिंग करेंगे। तो एडिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले लाइट मोशन को आप लोग को ओपन कर लेना है, आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है एंड आप लोग जैसे ही यहाँ पे इलाइट मोशन ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देगा। तो माई प्रोजेक्ट में आप लोग को आ जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा XML कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर आप लोग को XML इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना नहीं आता है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा एंड वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो एंड आप लोग सीख सकते हो। तो अब आप लोग को देख सकते हो XML ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को प्लस का आइकन नीचे में यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हो हमारा लेयर हाइड यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे अनहाइड कर लेना है यहाँ पे आई पे क्लिक करके एंड अनहाइड जैसे ही आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन में क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे मीडिया आप लोग को दिखाई देगा। तो मीडिया में आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग का जो भी बैकग्राउंड का फोटो यहाँ पे बनाना चाहते हो वहाँ पे ऐड कर लेना है एंड इसका लेंथ को बढ़ा लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को लेंथ बढ़ा लेना है फोटो का एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है एंड होल्ड करके आप लोग को यहाँ पे डाउन करना है। लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो अब आप लोग को यहाँ पे फिर से आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड मीडिया में जाना है एंड आप लोग को PNG यहाँ पे ऐड करना है। तो PNG आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को ये वाला PNG ऐड कर लेना है एंड इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका साइज़ को हम लोग को कम कर लेना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को साइज़ को कम कर लेना है एंड आप लोग जैसे ही साइज़ को कम कर लेते हो तो कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देगा एंड अब आप लोग को देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को बैक आ जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो PNG में क्लिक करके इसका यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज़ कर लेना है आप लोग को इस टाइप से एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब इसको भी आप लोग को यहाँ पे होल्ड करना है एंड होल्ड करके इसको भी नीचे कर देना है आप लोग को, यहाँ से होल्ड करके आप लोग को नीचे करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है इस PNG को कुछ इस टाइप से एंड एडजस्ट हो जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है लेयर या जो फर्स्ट वाला यूज़र आईडी वाला लेयर है इसमें आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो नीचे में एडिट टेक्स्ट वाला ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देख सकते हो यूज़र आईडी में आप लोग का जो भी इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है एंड आप लोग जैसे ही फिल कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को एनिमेशन भी यहाँ पे मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ एंड यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर देना है इस वाले PNG को एंड अच्छे से एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा सेकंड वाला लेयर है इसमें आप लोग को इमोजी वाले लेयर में क्लिक करना है एंड यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में आ जाना है आप लोग को एंड यहाँ पे आप लोग को इमोजी ऐड करना है। तो आप लोग चाहो तो कोई भी इमोजी यहाँ पे अपने टेक्स्ट के हिसाब से आप लोग इमोजी कोई भी आप लोग इमोजी यहाँ पे सेट कर सकते हो कुछ इस टाइप से
तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से आप लोग को इमोजी ऐड कर लेना है। एंड इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आप लोग का जो यहाँ पे जो तीसरा लेयर है इसमें आप लोग को क्लिक करना है टेक्स्ट लाइन में। एंड हम लोग जो भी यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में आप लोग को क्लिक करना है, हम लोग को जो भी हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉपी किए हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप लोग को जो भी हम लोग यहाँ पे अभी टेक्स्ट अभी हम लोग कॉपी किए हैं इसको आप लोग को पेस्ट कर देना कुछ स्टेप से। एंड यहाँ पे कुछ स्टेप से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दे देना है आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टेप से आप लोग को यहाँ पे टेक्स्ट पे स्पेसिंग दे देना है ताकि अच्छा लगे देखने में। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा फुल वीडियो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो आप चाहते हो तो अगर इसमें साउंड वीडियो आप लोग लगाना है तो आप लोग टेलीग्राम से आप लोग साउंड वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड आप लोग चाहो तो साउंड वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम से भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इतना हो जाने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो फुल बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए दोस्तों इसमें आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है एंड हमारे देख सकते हो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। अब आप लोग को सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आप लोग का वीडियो सेव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसी तरह का एडिटिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।